भाइयों बहनों, आज जिन सभी मतलबों के लिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है, उन मतलबों के साथ साथ मैं विशेष रूप से ये मिस्सा बलिदान मेरे माता पिता के लिए भी अर्पित कर रहा हूँ, जो आज अपने शादी की सालगिरह मनाते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबको प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, आज कलीसिया संत जस्टिन शहीद का स्मृति दिवस मनाती है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इस बात को जानते हैं कि शहीदों का रक्त जैसे कलीसिया को सींचा गया जल है, इस रक्त के द्वारा ही कलीसिया का विकास हुआ है। और इसलिए जब आज हम प्रारंभिक कलीसिया के इस महान शहीद का स्मृति दिवस मनाते हैं, हम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि कलीसिया का विकास ऐसे ही होता जाए, कलीसिया बढ़ती जाए, और यदि इस कलीसिया के विकास के लिए और भी रक्त बहाना है तो इसके लिए, रक्त बहाने के लिए हम तत्पर रहे। तमाम शहीदों के लिए और जो धर्म के नाम पर सताए जाते हैं, उनके लिए हम आज विशेष प्रार्थना करें। और इस मिस्सा बलिदान को प्रारंभ करते समय हम अपने हरेक पापों के लिए, गलती के लिए ईश्वर से और एक दूसरे से क्षमा की याचना करें, ताकि योग्य रीति से हम ये मिस्सा बलिदान अर्पित कर सकें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने त्रिकुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने शहीद संत जस्टिन को क्रूस के रहस्य पर मनन चिंतन द्वारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का उत्कृष्ट ज्ञान प्रदान किया था। इनकी मध्यस्थता के फलस्वरूप हम भी सब प्रकार के छल कपट का परित्याग करें और विश्वास में अटल बने रहे। ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर
युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय और आपके होठों पर हो, ताकि आप योग्य रीति से प्रभु का वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, संत यूदस का पत्र, अध्याय 17, वचन संख्या 20 से 25 तक। ईश्वर आपको पाप से सुरक्षित करने में और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है। प्यारे भाइयों, आप लोग हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रेरितों की भविष्यवाणियां याद रखें। आप अपने परम पावन विश्वास की नींव पर अपने जीवन का निर्माण करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करते रहें, ईश्वर के प्रेम में सुदृढ़ बने रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया आपको अनंत जीवन प्रदान करेगी। कुछ लोगों का विश्वास दृढ़ नहीं है, उन पर दया करें और उन्हें आग में से निकाल कर उनकी रक्षा करें। कुछ लोगों पर दया करते समय आप सतर्क रहें और विषय वासना से दूषित उनके वस्त्र से भी घृणा करें, जो आपको पाप से सुरक्षित करने में और आपको दोष रहित और आनंदित बनाकर अपनी महिमा में प्रस्तुत करने में समर्थ है, जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा मुक्ति प्रदान करता है। उसी एकमात्र ईश्वर को अनादि काल से अब और अनंत काल तक महिमा, प्रताप, सामर्थ्य और अधिकार। आमीन। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। हे ईश्वर, तू ही मेरा ईश्वर है, मैं तुझे ढूंढता रहता हूँ, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जल के लिए सूखी संतप्त भूमि की तरह मैं तेरे दर्शनों के लिए ललायित हूँ। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं तेरे पवित्र मंदिर में तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा देखना चाहता हूँ। तेरा प्रेम प्राणों से भी अधिक वांछनीय है, मेरा कंठ तेरी स्तुति करता रहेगा। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। मैं जीवन भर तुझे धन्य कहूँगा और हाथ जोड़कर तुझसे प्रार्थना करता रहूँगा। तू मेरी आत्मा को तृप्त कर देता है, मैं उल्लसित होकर तेरी महिमा का बखान करता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा तेरे लिए तरसती है। जय घोष, हालेलुया। मसीह की शिक्षा अपनी परिपूर्णता में आप लोगों में निवास करें। आप उनके द्वारा पिता ईश्वर को धन्यवाद देते रहें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु और उनके शिष्य फिर यरूशलेम आए। जब यीशु मंदिर में टहल रहे थे तो महायाजक, शास्त्री और नेता उनके पास आकर उनसे पूछने लगे, आप किस अधिकार से यह सब कर रहे हैं? किसने आपको यह सब करने का अधिकार दिया है? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं भी आप लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि आप मुझे इसका उत्तर देंगे
तो मैं भी आपको बता दूंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। बताइए, योहन का बपतिस्मा स्वर्ग का था अथवा मनुष्यों का? वे यह कहकर आपस में परामर्श करने लगे, यदि हम कहे स्वर्ग का तो यह कहेंगे तब आप लोगों ने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया, और यदि हम कहे मनुष्यों का तो? वे जनता से डरते थे क्योंकि सब योहन को नबी मानती थी, इसलिए उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। इस पर यीशु ने उनसे कहा, तब मैं भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा कि मैं किस अधिकार से यह सब कर रहा हूं। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम जानते हैं कि यीशु जब दूर से यरूशलेम को देखते हैं तो वो पुकार पुकार के यरूशलेम के लिए रोते हैं। और उनका रोने का कारण क्या था? यीशु इसलिए यरूशलेम के लिए रोए क्योंकि कितनी बार ईश्वर ने चाहा कि वह यरूशलेम को कुछ इस प्रकार समेट ले जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को समेट लेती है। लेकिन वो यरूशलेम के लिए कहते हैं, परंतु यरूशलेम तू नबियों पर पत्थर मारती है। यीशु को बहुत दुख था और इसलिए यीशु यरूशलेम को देखकर रोते हैं। क्यों यीशु इतने दुखी थे? इसका एक उदाहरण आज के सुसमाचार में हम पाते हैं। आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि जो लोग यीशु के पास आए जब वो यरूशलेम मंदिर में टहल रहे थे, वे लोग थे महायाजक, शास्त्री और नेता। यहूदियों की जो महासभा थी सैनेड्रिन, उसमें जो सदस्य होते थे वही सदस्य हैं ये लोग। महायाजक भी हैं, पुरोहित वर्ग भी है, शास्त्री हैं, स्क्राइब्स हैं और धर्म के बड़े बड़े नेता भी हैं। और ये लोग, ये पूरी महासभा, ये समुदाय यीशु के पास आकर क्या प्रश्न कर रहे हैं कि किसके अधिकार से आप ये सब कर रहे हैं? इस प्रश्न के पीछे इनकी मनस्थिति क्या है? प्रिय भाइयों बहनों, इस प्रश्न के पीछे इन शास्त्रियों का, महायाजकों का और नेताओं के मन का भाव यही था कि इनको ईश्वर पर और यीशु पर जरा भी विश्वास नहीं। और जो व्यक्ति बिना विश्वास के यीशु के पास आते हैं, उनके जीवन में कोई कृपा यीशु नहीं दे पाएंगे। हम भी प्रिय भाइयों बहनों यीशु से प्रार्थना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमारे जीवन में भी विश्वास हो। कहते हैं कि बिना विश्वास के प्रार्थना व्यर्थ है, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे विश्वास को और अधिक मजबूती मिलती है। लेकिन यदि हमारे जीवन में विश्वास नहीं है, हम यीशु के पास बारंबार तो आएंगे लेकिन हम कुछ लेकर नहीं जाएंगे। उस दिन वे महायाजक, शास्त्री और नेतागण यीशु के पास से कुछ लेकर नहीं गए। यीशु ने उनसे एक प्रश्न पूछा, योहन बपतिस्ता का बपतिस्मा किसका बपतिस्मा था? ईश्वर की ओर से था कि मनुष्य का? यह प्रश्न का भी जवाब वो नहीं दे पाए। क्यों? क्योंकि उन पर, उनको ईश्वर पर जरा भी भरोसा, विश्वास नहीं रह गया था। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमको अपने आप की जांच करनी है, हमको देखना है। हम ईश्वर के पास तो आते हैं, प्रभु के पास तो आते हैं, शायद रोज मिस्सा बलिदान में भी भाग लेते हैं, पर क्या हम सही में यीशु पे विश्वास करते हैं या नहीं? यदि हम बिना विश्वास के यीशु के पास आते हैं तो जैसे यीशु उस यरूशलेम को देखकर रोए थे, वैसे ही शायद हमको भी देखकर रोते होंगे
यीशु हमारे लिए भी कहते होंगे कि कितनी बार मैंने कोशिश की कि मैं तुमको वैसे समेट लूं जैसे कोई मुर्गी अपने चूजों को समेट लेती है, लेकिन तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते। प्रिय भाइयों बहनों, हम यीशु को हमारे लिए रोने ना दें, उस पर सच्चा विश्वास करें और विश्वास और भक्ति के साथ उसके पास आए, वो जरूर हमें अपनी कृपाओं से भर देंगे। आइए इसी कृपा के लिए हम इस मिस्सा बलिदान में प्रार्थना करें, आमेन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, संत जस्टिन ने बड़ी निर्भीकता से अपनी लेखनी द्वारा ख्रिस्तीय संस्कारों का समर्थन किया था। तेरी कृपा से हम इन संस्कारों के योग्य रीति से भाग लेते रहे। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद संत जस्टिन ने ख्रिस्त का अनुकरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। ये रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता में अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरा साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत काल तक घोषित करते हैं। सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए, हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गाए। पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस मैथ्यू और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल। आज के मिस्से के तमाम विशेष मतलबों के अलावा मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने विवाह की वर्षगांठ मनाते हैं, कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों संत जस्टिन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। प्रभु कृष्ण के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के
मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने गलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण न बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य हैं वे जो मेमने के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। इसका शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करते रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारी हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीजों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, स्वर्गिक भोजन से बल पाकर हम तुझसे दीनता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि शहीद संत जस्टिन की शिक्षा पर चलकर हम इन वरदानों के लिए तेरे प्रति सदा कृतज्ञ बने रहे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले, ये मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद।
चल में हमको रखना, आशीष देना सदा ही, आचल तुम्हारा बालक वृद्ध युवा सभी जो भी हमको रखना आशीष दे।